हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। दोस्तों, नए वीडियो के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एडसेंस का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन हम किस तरीके से करते हैं। लोगों के मन में बहुत सारा डाउट होता है वेरिफिकेशन को लेकर, जिसके वजह से अगर सही से पता ना होने के कारण लोगों का रिजेक्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगा, डॉक्यूमेंट अपलोड के लेकर कि वहाँ पर कैसे अपलोड करेंगे और क्या चीज़ हम वहाँ पे लिखेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहिए दोस्तों। एक बार और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो द कीवी के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ पे जाइए, रजिस्टर होइए और मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। द कीवी के थ्रू आप बहुत सारे एक्सपर्ट के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी तरह का अगर आपका डाउट हो। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले तो गूगल का जो भी सर्च बार है वहाँ पे हम लिखेंगे एडसेंस लॉगिन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। लिखने के बाद आप यहाँ पे सिंपल से इंटर मारिए, पेज आएगा जो सबसे ऊपर का जो वेबसाइट होगा एडसेंस का, वहाँ पर सबसे पहले तो हमें करना है क्लिक। तो चलिए हम उसे क्लिक कर लेते हैं। अब देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा वहाँ पर आने के बाद। यहाँ पर ऊपर में अगर राइट साइड में देखेंगे टॉप साइड, तो यहाँ पे साइन इन आएगा और यहाँ पे गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने एडसेंस का अकाउंट बना लिया है, अभी बस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना है। तो यहाँ पे अब जीमेल अकाउंट वही डालेंगे जिससे आपका एडसेंस अकाउंट होगा। तो चलिए जीमेल अकाउंट मैं अपना यहाँ पे डाल देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए हम यहाँ पे लॉग इन हो रहे एडसेंस पे और ये कुछ इस तरीके से एडसेंस का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। देख रहे हैं कुछ इस तरीके से इनका डैशबोर्ड है। राइट साइड में आपको यहाँ पे बैलेंस देखने को मिलेगा, जो भी आपने अर्न किया होगा यहाँ पे अपडेट हो जाता है। और ऊपर में वैसे जो भी होगा आपको एक्शन बटन ऊपर में मिल जाएगा। ऊपर साइड सबसे टॉप साइड में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए एड्रेस वेरिफिकेशन है एड्रेस का, और उसके नीचे में है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पहले होता है, एड्रेस वेरिफिकेशन बाद में होता है। तो पहले हम आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर लेते हैं और एड्रेस वेरिफिकेशन हम बाद में सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कभी। तो यहाँ पे वेरीफाई यहाँ से भी जा सकते हैं, ऊपर में एक्शन बटन भी दिया होगा वहाँ भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे हम क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। पेमेंट के पेज पे चले जाएंगे मे बी। तो देखिए हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पे पेमेंट का जो पेज है हम वहाँ पर आ गए और ऊपर में वैसे ही डैशबोर्ड होगा आपका। और यहाँ पे देखिए वेरीफाई नाउ का यहाँ पे ऑप्शन है, देख सकते हैं। तो देखिए वेरीफाई नाउ का जो ऑप्शन है वहाँ पे सिंपल सा आपको क्लिक करना होगा, बट नीचे में आप देख सकते हैं ये नॉर्मल सा आपका ट्रांजैक्शन दिखेगा आपको। और तो देखिए ऊपर में आपका जो वेरीफिकेशन नाउ का जो ऑप्शन है सिंपल सा आपको यहाँ पर करना है क्लिक। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो कुछ इस तरीके से आपको ये पेज दिखेगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, सबसे पहले तो आपका नाम और आपका एड्रेस फिल करना पड़ेगा वहाँ पे पेंसिल का जो बटन है वहाँ पर जाकर। बट उससे पहले डॉक्यूमेंट कैसा होना चाहिए, क्या अपलोड होगा, देखिए सबसे पहले तो आप कुछ भी अपलोड कीजिए, बट आधार कार्ड आपका अपलोड नहीं होगा, आधार कार्ड आपको नहीं करना है। पैन कार्ड कीजिए, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट। गाइडलाइन पर हम क्लिक करते हैं, गाइडलाइन भी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ एक्सेप्टेड है कि कैसे आप अपलोड करेंगे। सबसे पहले तो जो भी डॉक्यूमेंट का अपलोड करेंगे वो अच्छे से दिखना चाहिए, रीड हो सके, वो पढ़ा जा सके। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे किसी भी तरह का उसमें ब्लर नहीं होना चाहिए कि वो अच्छा से पता नहीं चल रहा। तो दोस्तों एक बार और फिर से बता दूँ, अगर आप उससे कनेक्ट होना चाहते हैं किसी भी तरह का क्वायरी के लिए, आप उसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं द कीवी के थ्रू। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप सिंपल से अकाउंट बनाइए और मुझसे कनेक्ट हो जाइए, जो भी डाउट है आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और लाइट डीम नहीं होना चाहिए, एकदम लाइट में होना चाहिए, जैसे कि रिफ्लेक्शन भी नहीं आना चाहिए आपका, सिंपल से ऐसे कि अच्छा से दिखे लाइट के साथ। ब्लैक एंड वाइट में नहीं होना चाहिए, कलर में होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड होगा वो चारों कॉर्नर होगा, मैं आपको सैम्पल डॉक्यूमेंट भी ऐसे दिखाऊँगा। और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें कोई एक्सपायर नहीं होना चाहिए, समझ रहे, जैसे कि कोई पासपोर्ट डाल देते हैं तो उसका एक्सपायर अगर हो गया होगा तो वो भी नहीं चलेगा, और अच्छे से वो दिखना चाहिए। तो ये उसका गाइडलाइन है। देखिए सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। देखिए ये कुछ इस तरीके से पैन कार्ड है, यहाँ पे देखिए चारों कॉर्नर आपको दिख रहा है, मतलब कि मैंने एक कोई भी डेस्क पे रख दिया होगा और रखने के बाद मैंने उसका क्लिक किया फ़ोटो, चारों कॉर्नर आपको दिख रहा है, नाम विजिबल है, मतलब जूम करके देखिए कि जूम करने के बाद फट रहा है कि नहीं फट रहा है उसका पिक्सल जो है, और पूरा विजिबल होना चाहिए। आपने जैसे देख लिया, मैंने पेंसिल बटन पे अब क्लिक करता हूँ, जैसे नाम देखिए पूरा यहाँ पे मेरा
कैपिटल लेटर में सब बड़ा है, बट मैंने जो वहाँ पे लिखा था वो स्मॉल में था। तो चलिए मैं सिंपल सा चेंज कर लेता हूँ, कैपिटल स्मॉल का भी कुछ जो भी है आपको डॉक्यूमेंट में जैसा है वो वैसा सेम फॉर्मेट में लिखे। और रहा एड्रेस की बात, पैन कार्ड में एड्रेस नहीं होता है, बट मैंने आधार कार्ड वाला एड्रेस दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा। नाम बस आपका यहाँ पे मैच होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, जो एड्रेस है वहाँ पे एक तरह से पिन आता है आपका। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से है, फट नहीं रहा है, एकदम क्लियर है, सब कुछ ठीक है, ओके है। आप देख लीजिए एड्रेस, एड्रेस पूरा आधार कार्ड में जैसा होगा वैसे ही डिटो लिख लीजिए, और जो भी है मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए अपलोड का ऑप्शन है ऊपर में, तो अपलोड के ऑप्शन में मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट कहाँ पे है। डॉक्यूमेंट मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया है, देखिए डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड हो गया। अब मैं मुझे यहाँ पे बस सिंपल सब सबमिट करना है। अब देखिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबमिट, अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा होगा कि कुछ दिन आपको लग सकता है यहाँ पे बताने के लिए कि आपका एडसेंस वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ। आइडेंटिटी का आपका जो ईमेल आईडी है वहाँ पे आपको ईमेल आ जाएगा। तो चलिए मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि हमारा वेरिफिकेशन हो गया है कि नहीं हुआ है। वैसे आपका जनरली सेम डेज पे रिस्पॉन्स आ जाएगा, 2-3 घंटे में या तो 12 घंटे के अंदर है, बट आप फिर भी वेट कीजिए। और इस तरीके से देखिए हमने अपलोड तो कर दिया है डॉक्यूमेंट, कुछ देर का वैसे वेट करेंगे, डैशबोर्ड तो आपको सेम अभी वैसे ही दिखेगा क्योंकि अभी वेरिफिकेशन हुआ नहीं है, प्रोसेस में है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेल। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एक कंफर्मेशन मेल भी आ चुका है गूगल एडसेंस की तरफ से कि हमारा जो अकाउंट है सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, सिंपल स्टेप में मैंने यहाँ पे समझाया है। और दोस्तों अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो द कीवी के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पे जाइए क्लिक कीजिए और मुझसे सिंपल से कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है मैं आपको वहाँ पे क्लियर कर दूंगा 1-to-1। तो दोस्तों वहाँ पे आप रजिस्टर कीजिए अपने आप को, बहुत ही अच्छा वेबसाइट है, वहाँ से आप बहुत सारे जो भी एक्सपर्टीज़ होंगे वहाँ पे आप उनसे बातें कर सकते हैं, उनसे जो भी आपका सवाल होगा क्वेश्चन होगा आप उनसे डाउट को अपने क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।